मैं आपका मेज़बान फर्रुख हबीब प्रोग्राम ख़त्म नबूवत में आपको दोबारा से खुशामदीद कहता हूँ। वक्फे का इंतज़ार करने का बहुत शुक्रिया। सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए हम जनाब अकबर अहमद चौधरी साहब से मज़ीद सवाल करेंगे। तो जिस तरीके से वक्फे से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब का जो लिटरेचर है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क़ादियानी जमात या अहमदिया जमात के अंदर उसकी क्या हैसियत है? जी, ये आपने अगेन बहुत बहुत अहम इल्मी सवाल किया। चूंकि कादियानी मिर्ज़ा साहब को नबी मानते हैं, इसलिए वो उनकी किसी किताब को आलम की किताब की तरह नहीं लेते कि जिसमें कुछ बातें कमज़ोर होंगी, कुछ बातें मजबूत होंगी। जिस तरह हम एक आलम की किताब को देखते हैं, कहते हैं ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी की, यहाँ पर ज़रा सी कमज़ोरी है ना, इस तरह नहीं वो कर सकते। वो तो हर एक लफ्ज़, हर एक फिक्रा, हर एक सफ़े के पीछे जान देने के लिए तैयार है। अच्छा। हाँ, वो चूँकि उन्होंने मिर्ज़ा साहब को मकाम वो दे दिया। अब लाहौरी लोग जो हैं वो चूँकि उनको नबी नहीं मानते, मगर वो फिर भी उसी तरह हर लफ्ज़, हर फिक्रे, हर सफ़े के पीछे उसी तरह उसका डिफेंस करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए तैयार है। तो एक आलम की हैसियत से उन किताबों को नहीं लिया जाता कि एक एक। उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता है तो मिर्ज़ा साहब के जो बेटे हैं, मिर्ज़ा महमूद जो इनके दूसरे सरबराह थे, थर्ड इन लाइन मिर्ज़ा साहब के बाद दूसरे, उनकी भी किताबों को और उनके कही हुई बातों को वही अहमियत दी जाती है। क्योंकि उनका भी एक लकब मुस्लिम मौत था, यानी कि उसका मतलब भी कि अल्लाह ताला की तरफ से मामूर थे, उनके बेटे भी अल्लाह ताला की तरफ से मामूर थे इस्लाह के लिए। अब जो इस्लाह के लिए मामूर हो उसका तो हर लफ्ज जो है ना उसके पाबंद होना पड़ता है। तो ये एक इल्मी दलदल है जिसमें कादियानी जमात और किसी हद तक लाहौरी जमात भी फंसी हुई है। ये एक दलदल है चूंकि वो पिछले तमाम के तमाम किताबें और खुतबात और हर चीज को उन्होंने उसके पाबंद रहना है, उसकी पाबंदी के अंदर रहते हुए आगे कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि आप तो जानते हैं कि इल्मी काम में तनकीद भी शामिल होती है कि ये बात की गई, ये यूं की गई, या इसका सियाक व सबाक क्यों था, ये काम था। तो इल्मी काम, जिसे बल्कि इंग्लिश में तो कहती है इसको क्रिटिकल एनालिसिस है ना, क्रिटिकल एनालिसिस के बगैर तो आगे काम नहीं चलता, ठीक है ना, कोई भी इल्मी काम नहीं चलता। मगर चूंकि उन्होंने मिर्ज़ा साहब की और उनके बेटे की किताबों का क्रिटिकल एनालिसिस करना ही नहीं, जब करना ही नहीं तो इल्मी काम कैसे आगे चले। तो ये दोनों बातें जो हैं ये साथ साथ चलती हैं। उनमें इल्मी फुकदान उस इल्मी दलदल का नमूना है, और वो इल्मी दलदल इसलिए है कि वो उन किताबों को, उन दोनों की किताबों को इल्मी नुक्ता नजर से नहीं देखते, बल्कि उनके और उनके अपने आप को पाबंद समझते हैं। मैं इसी तरह से जैसे आपने उस मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब का जिक्र किया, फिर उनके बाद उनके बेटे का जिक्र किया, क्या उनके बाद में आने वाले खुलफा उनका जो लिटरेचर है या उनकी जो तहरीरात हैं, क्या उनका भी वही मकाम है कि जो उनके मिर्ज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी साहब और उनके बेटे का उनके लिटरेचर का है, या फिर वो उससे कुछ मुख्तलिफ है? जी, ये भी अगला सवाल यही बन रहा था और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सिलसिला आगे थोड़ा सा कम, इसका जोर थोड़ा कम है, यानी कि इनका जो चौथा सरबराह था मिर्ज़ा ताहिर साहिब, उन्होंने बार दफ़ा कहा कि तीसरे सरबराह ने यह बात सही शायद ना की हो या उस वक़्त के हवाले से की थी। चूँकि मामूर ये सिर्फ मिर्ज़ा गुलाम अहमद को और उनके बेटे को ही मामूर मानते हैं, इसलिए वो उनकी एक अहमियत और है। बेशक मिर्ज़ा महमूद ने लिखा कि मैं हिटलर और मुसोलिनी की तरह ये नहीं कर सकता, यानी कि मैं करना चाहता हूँ और मैं नहीं कर सकता, जो भी उन्होंने लिखा। फिर मिर्ज़ा महमूद ने ये भी लिखा, मुसलमान जो भी
मिर्ज़ा साहब पे, मिर्ज़ा गुलाम अहमद पे यकीन नहीं रहता, वो जमात वो इस्लाम से खारिज है, यानी कि एक किस्म का काफर ही करार दे दिया, साफ साफ के कहा, उसके भी ये पाबंद हैं। मगर आगे जो सिलसिला चला है उसमें इतनी पाबंदी नहीं है, मगर वो आगे इतना कुछ कलाम का सिलसिला नहीं हुआ। इनके तीसरे और चौथे सरबराह ने कोई किताबें नहीं लिखी या कोई ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की बातें की नहीं, तो दो वजूहात है, एक तो उन्होंने ऐसी बातें ही नहीं है कि उनके ऊपर कोई स्टैंड लिया जाए, दूसरी तरफ यह कि हाँ वो बात अब नहीं है। अगर ये मौजूदा सरबराह ये कहें कि पिछले जो सरबराह थे इनके चौथे जो थे सरबराह, उन्होंने कुछ बात की वो उस वक्त के हवाले से ठीक थी, आज मैं ये कह रहा हूँ तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। मगर अगर ये उठ के कहें कि जो दूसरे सरबराह थे मिर्ज़ा साहब के बेटे जो मिर्ज़ा महमूद थे, उन्होंने ये कहा और मैं कह रहा हूँ कि ये यूं हो, तो वो इतना पसंद नहीं क्या जाएगा। बल्कि जो इन मिर्ज़ा ताहिर अहमद थे जो इनके चौथे सरबराह थे, उन्होंने मिर्ज़ा महमूद की थोड़ी सी कुरान करीम के हवाले से थोड़ी जो उन्होंने अपनी कुरान करीम की गलत तफसीर करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेके आना चाहिए, तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था जमात के अंदर। एहतियाज उनमें ऐसे नहीं होता, जुबानी नहीं होता, बल्कि लोगों ने आपस से बात करनी शुरू की थी कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ख़ानियानी साहब वो जमात अहमदिया के लिए एक नबी की हैसियत रखते हैं, और उनके बेटे जो हैं वो एक मुस्लिह मौजूद जैसा कि आपने बताया उसकी हैसियत रखते हैं। मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मौजूदा खलीफा या इसके बाद आने वाले जितने खलीफा होंगे उनकी जमात के अंदर क्या हैसियत है? क्या वो सिर्फ निज़ामत के लिए हैं कि जमात को किस तरीके से उसका इंतज़ाम चलाना है, वो एक उनकी हैसियत क्या एक मुंतज़िम सी है या वो एक मजहबी पेशवा के तौर पे सामने है? इस सवाल के तीन पहलू हैं, ठीक है। एक तो ये कि जमात अहमदिया कादियानिया जो है, जो कादियानी ग्रोह है अहमदिया का, वो कभी भी इसको ब्लैक एंड वाइट पे नहीं लिखते, कभी भी तहरीरन नहीं लिखते कि हमारा मौकिफ क्या है, ठीक है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कहा कि हर सदी के सर पे मुजद्दद आता था और मैं भी मुजद्दद हूँ इस सदी का, उन्होंने अपने तौर पे कहा। अब लोग सवाल पूछते हैं कि आइंदा मुजद्दद आएंगे कि नहीं आएंगे, उसका जवाब चौथे खलीफा ने यह दिया कि जो खलीफा होगा वही मुजद्दद होगा, ठीक है। फिर मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने लिखा कि मसीह एक नहीं आएंगे, मसीह कई आएंगे। अच्छा, फिर ये लिखा कि महदी, मैं भी महदी हूं, हो सकता है कि महदी जो बनू फातिमा में से हो वो आइंदा भी आए। अच्छा, अब जब लोग वो सवाल पूछते हैं कि ये जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा इसका क्या मतलब था, तो खामोशी, आगे से कोई जवाब नहीं आता। कभी भी वो अपना मौकिफ लिख के क्लियर वाज़े तौर पे नहीं पेश करते, इसलिए हम उनको बदस्तूर कल्ट के नाम से, इसके बारे में भी आइंदा गुफ्तगू होगी। जिस तरह के देखें रोमन कैथोलिक चर्च है या शिया का ग्रोह है, आयतुल्ला वगैरह होती हैं अहले तशज्जू में, ठीक है, वो जब भी कोई एक फैसला करती हैं या एक मौकिफ बयान करती हैं तो उसके पीछे एक तफसील होती है, खा हम अकली तौर पे उसको माने या ना माने। इसी तरह पोप जो है, ईसाइयों का पोप जो है, वो जब भी कोई फैसला देगा या कोई मौकिफ अपना अपने चर्च का बताएगा तो उसके पीछे एक तहरीर होगी, उसके पीछे एक इल्मी बहस होगी, उस इल्मी बहस से इत्तफाक करना या ना करना हर इंसान का अपना काम है, मगर वो मौजूद होगी। कादियानियों में ये है नहीं, ये है नहीं, जो जिस वक्त जो दिल चाहा जिस तरह चिल चाहा कह दिया, कभी कोई फिके की सूरत में या किसी फतवे की सूरत में या किसी तहरीरी अकली बहस के नतीजे में कभी कोई बात सामने नहीं आएगी। सही, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने फिकह का जिक्र किया और जैसा कि हम सबको मालूम है किताबों में हमें कि फिकह बुनियादी तौर पर एक ऐसे इल्म को कहते हैं जिस के जरिए से कुरान और हदीस के जरिए से मसाइल का इस्तेमाल किया जाता है और उस कुरान और हदीस की बुनियाद पर ज़िंदगी में पेश आने वाले मुख्तलिफ मसाइल का हल तलाश किया जाता है। तो अगर कादियानी जमात के अंदर फिकह का वजूद ना हो या ऐसा कोई इल्म ही ना हो तो इसको किस तरीके से प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाएगा? ये फिर आपने बहुत बहुत अच्छा सवाल किया और इसीलिए हम इनको हम कल्ट कहते हैं, जो कि इनको बहुत तकलीफ होती है। अभी दो दिन पहले इनके टीवी शो पे ये इस लफ्ज़ से बड़ी तकलीफ़ का इजहार किया गया कि हमारे बारे में कल्ट यूज़ किया जाता है। कादियानी लोग यही कहते आए हैं कि हम फिकह हनफिया पर कायम हैं। अच्छा जी, मगर वो उन्होंने उसके अंदर से कुछ मसाइल, साफ जाहिर है कि सब मसाइल में तो वो एग्री नहीं करते वरना तो बहुत बड़ा मसला बन जाए, उन्होंने अपना एक फिकह अहमदिया निकालना शुरू किया
वो जो मुझे याद पड़ता है 15-20 साल पहले तक आधा मुकम्मल था आधा नहीं हुआ, उसके बाद सुना है कि मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ, मगर यही बात कि उसका पता ही किसी को नहीं या उसकी तशहीर ही नहीं या उसके मुताबिक फैसले ही नहीं होते, यही इस बात का सबूत है कि उनमें फिका मौजूद नहीं है। बस उन्होंने सिर्फ ये एक सवाल का जवाब देने के लिए कि कोई सवाल पूछे कि आप किस फिके पे कायम है तो वो फिका अहमदिया के नाम से लिख देती हैं। उनकी कजा जो है उनके अंदर जो इस दीनी मसाइल का एक एक फैसला करने वाली निज़ाम है उसके भी फैसले कभी शायद नहीं होते। और जो सुनने में आया है और लोगों से पता चला है जो लोग छोड़ के निकलते हैं कि उन फैसलों में बहुत ज्यादा नाइंसाफी होती है और किसी शरी नस का या किसी फिके ही मसले पे बेस नहीं होते बल्कि जान पहचान पे और छुपाने पे करके, इसलिए हम उनको कल कहते हैं क्योंकि जो जमातें बाकायदा दीनी जो जमातें होती हैं ख्वाह वो इस्लामी हो या ना हो उनके अंदर कम से कम एक एक इल्मी सिलसिला होता है और जब फैसले होते हैं तो वो किसी फिके की बेस पे किसी कानून की बेस पे, जिस तरह वेटिकन में एक कैनन लॉ है या जो अंग्रेजों का चर्च है जो एंग्लिकन चर्च है उसके अंदर भी एक एक कैनन लॉ है, वो इस किस्म का कोई सिलसिला नहीं है वो नहीं वहाँ पे। अच्छा, जैसा कि आपने अभी बताया कि दो दिन पहले जो है कादियानी जमात को कल्ट कहने के ऊपर काफी एहतजाज हुआ कादियानी जमात की तरफ से, जी। तो जैसा कि ये अब इससे इस मौके से ये जाहिर होता है कि कादियानी जमात जो है वो इस बात को डिनाई करती है कि वो एक कल्ट है, जबकि दूसरे लोगों का कहना ये है, मुसलमानों का कहना ये है कि ये एक कल्ट है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे और वो कौन सी बुनियादें हैं जिसकी वजह से कादियानी जमात को एक कल्ट कहा जाता है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। एक नफ्सियात दान गुजरे हैं रॉबर्ट लिफ्टन के नाम से, उन्होंने तकरीबन 30 साल पहले एक 7 के 8 मयार मुकरर किए थे कि ये मयार होते हैं थॉट कंट्रोल के। तो कल्ट जो जिस हम यूज करते हैं जिस ग्रोह के लिए वो इसलिए यूज करते हैं कि वो लोगों की ब्रेन वॉशिंग करते हैं और उनके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, उनके सोच के उनके तखय्युल को कंट्रोल करते हैं। तो लिफ्टन्स उन्हें कहते हैं लिफ्टन्स क्राइटेरिया ऑफ थॉट कंट्रोल, ठीक है, उसके अंदर 8 हैं। बल्कि ये जब मैंने सबसे पहले लिख के लगाए तो उस वक्त 2002 की बात है, मैंने अभी अपने इलानिया छोड़ने से पहले अपनी वेबसाइट पर ये लिख के लगाए थे, जिसकी वजह से मेरी मुझे एक खत आया कादियानी जमात की तरफ से कि आप जवाब दें हैं और हमने 3 मेंबरान की कमेटी बनाई है आपकी जवाब तलबी के लिए। मैंने पूछा जी मैं कब और कहां पर हाजिर हूं, और उसके बाद जवाब नहीं आया। क्योंकि जब इंसान उनके बीच में जब इंसान इतना पूछ ले कि मैं कब और कहां ये बहस करने के लिए हाजिर हूं तो इसका मतलब है कि उसने बगावत कर दी। तो मुझे जवाब ये मिला कि अगर आपने ये पूछा है ना तो इसका मतलब है कि अब हमारी आपकी सलाम दुआ नहीं है, ठीक है। यही कल का नमूना है कि जब उसमें आप बहस नहीं कर सकते, आपको धमकाया जाता है कि तुम्हें निकाल देंगे या तुम्हें ये सजा देंगे या तुम्हारी पेशी होगी, आपका काम है कि डर खौफ से माफिया मांगनी शुरू कर दें, ठीक है। आप आगे एक बहस ना करें, इल्मी बात ना करें, बस आप बस माफ कर दें जी, मुझे माफ कर दें, अपने वो जो सरबराह हैं खलीफा उनकी उनको खत लिखा के माफ कर दें, ठीक है। हम तो मुसलमान तो ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की जात के अलावा कोई माफ ही नहीं कर सकता। नहीं, माफी तो पहले तो बताएं कि गलत क्या हुआ और फिर अगर माफी मांगनी है तो अल्लाह ताला की जात से माफी मांगनी। तो यही सबूत है उसका, हमारे पास एक खत भी है, खतूत भी है लोगों के, माफिया जो मांगते हैं गिड़गिड़ा के माफिया मांगते हैं। और क्यों मांगते हैं? इसलिए कि उनको बंद किया गया है। लिफ्टन ने यही कहा था कि मिलियू कंट्रोल उसको वो कहते हैं कि आप उनके माहौल को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब ये कादियानी क्या कहते हैं कि इनके ग्रुप में इतनी एक्टिविटीज हैं हर वीकेंड पे हर महीने हर माह कि इनको बाकी मुसलमानों का पता ही नहीं चलता। अब मुझे कादियानी छोड़ के पता चला कि ये जो अभी जो अशरा जा रहा है ज़िलहिज्जा का जो पहला अशरा है, ठीक है, इसकी क्या अहमियत है, ठीक है। और हज जिस तरह हम हज को देखते हैं हम ईदों को देखते हैं, इनमें इतना तसव्वुर नहीं है। इनमें जलसा जो है इनका जो जलसा होता है सालाना वो उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है, उसके इर्द गिर्द सारी प्लानिंग होती है। जिस तरह मुसलमानों की प्लानिंग हज के गिर्द होती है या ईद के गिर्द होती है उस तरह की प्लानिंग उनमें मौजूद नहीं है। और हम इसीलिए कहते हैं कि उनको इतना बंद रखा गया है कि कभी
उनको साल हा साल तक किसी मुसलमान से बात करने का मौका ही नहीं मिलता।